उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नैनीताल के पास भवाली डुगई स्टेट से सटे जंगल से परमा टॉप के जंगलों तक आग पहुंच गई है। इसके अलावा आग की लपटें नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के पास भी पहुंच गई थी। नैनीताल में लड़ियाकांटा के इलाके के जंगल में भी आग फैली हुई है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां फैल रही आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। जानकारी के अनुसार नैनीताल के लड़ियाकांटा एयरफोर्स पाइंस गेठिया बल्डिया खान एरिज बारह पत्थर के पास जंगल क्षेत्र में आग लगी हुई है, जिसको काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर दमकल विभाग और वन विभाग हैं। आपको बता दें कि सूचना पर फायर सर्विस गोपेश्वर की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया। वहीं दोपहर को देवखाल के जंगल में भी आग भड़क गई। देखते ही देखते आग जंगल के बड़े क्षेत्र में फैल गई है। नैनीताल के आसपास के जंगल के क्षेत्र में लगी आग पर अब हेलीकॉप्टर की मदद से पानी डाला जा रहा है। नैनी झील और भीमताल की झील से पानी निकालकर वायुसेना की हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी बरसाया जा रहा है, जिसके चलते झील में नौकायान भी बंद है। शुक्रवार को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से झील के रेकी भी की थी। शुक्रवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने झील परिक्षेत्र का निरीक्षण भी किया। शनिवार की सुबह से दो हेलीकॉप्टर की मदद से नैनी झील और भीमताल झील से पानी लेकर वनाग्नि रोकथाम की पहल शुरू की गई है। झील में नौकायान बंद करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। दरअसल इस साल बारिश और बर्फबारी न होने के कारण गर्मी अधिक होने लगी है। बढ़ते तापमान के बीच नैनीताल व आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। खड़ी पहाड़ियों में आग लगने के चलते वह विभाग व दमकल विभाग की टीम भी कई स्थानों पर आग पर काबू नहीं पा सकती है, जिसके चलते जंगल जलकर राख हो चुके हैं। नैनीताल के आसपास के जंगल के क्षेत्र में लगी आग पर अब हेलीकॉप्टर की मदद से पानी डाला जा रहा है। नैनी झील और भीमताल की झील से पानी निकालकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी बरसाया जा रहा है, जिसके चलते झील में नौकायान भी बंद है। और शुक्रवार को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से झील की रेकी भी की थी। नैनीताल में लड़ियाकांटा के जंगल में लगी आग की वजह से भवाली जाने वाली सड़क पर धुआं छाया है। इस धुएं से सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धुएं की वजह से दम घुट रहा है। नैनीताल में आग ने दापाइंस के पास स्थित एक पुराने और खाली घर को चपेट में ले लिया है। हालांकि आग लगने की इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह आग विकराल रूप लेते हुए इमारतों के पास पहुँच गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।